ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ के साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु जी संप्रति काशी हिंदू विश्वविद्यालय से व्याकरण विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप विभागाध्यक्ष रहे हैं और अनेक विश्वविद्यालयों में आप एकेडमिक काउंसिल और एक्सपर्ट के रूप में हैं। और हाँ, ये हम लोग का सौभाग्य है कि आप हम लोग को समय दे रहे हैं। और इससे पूर्व गुरु जी ने गीता पर प्रत्येक श्लोक की साधारण या सामान्य शब्दों में या हृदयग्राही शब्दों में सरल भाषा में हम लोगों को शिक्षा दी, जिसके वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। और अब जो हम लोग नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं वो दर्शन के क्षेत्र में है, और उसमें सब सर्वप्रथम सांख्य दर्शन की ऊपर गुरु जी हम लोगों को सरल भाषा में सिखाएंगे। और ये हम सभी को पता है कि श्रीमद् भागवत में ऋषि कपिल और माता देवहूति के संवाद के रूप में सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत वर्णित हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ने सांख्य का ही मुख्य प्रतिपादन किया है सिद्धांतों में, और आयुर्वेद में प्रमुख रूप से सांख्य के सम्मत सिद्धांतों को लिया गया है, जिसमें सृष्टि विकास क्रम और अनेक सिद्धांत हैं जिस पर गुरुजी व्याख्यान देंगे। मैं अधिक शब्दों को ना लेकर के अब गुरुजी की ओर चलता हूँ। और गुरुजी सांख्य दर्शन की उपादेयता और क्यों उसको जानना आवश्यक है जीवन में, उसके ऊपर आज भूमिका प्रस्तुत करेंगे। और मैं अब चलता हूँ पूज्य गुरु जी की ओर। नाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आज हम लोग सांख्य शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ सांख्य कारिका, जिस पर आचार्य वाचस्पति मिश्र जी की अत्यंत सारगर्भित वैदुष्यपूर्ण टीका है, जिसको सांख्य तप्त कौमुदी के नाम से जानते हैं, उसके साथ हम लोग इसका अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सांख्य शास्त्र के प्रथम प्रवक्ता के रूप में, जैसा भी आपको आचार्य वस्ती जी ने बतलाया, महर्षि कपिल, सिद्धानाम कपिलो मुनि, इतने सिद्ध हैं, उसमें भगवान कपिल साक्षात श्रीमन्नारायण के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रवचन किया। सांख्य का तात्पर्य क्या है, ये प्रायः सभी को जिज्ञासा होती है। तो इसमें 25 तत्व सांख्य शास्त्र के माने जाते हैं, जिसमें पुरुष, प्रकृति, महत्तत्व जिसको हम बुद्धि कहते हैं, अहं तत्व, और उसके पश्चात पंचतन मात्राएं, एकादश इंद्रिय, इन सभी को मिलाकर की जो संख्या बनती है वो 25 बनती है। तो संख्याम अधिकृत्य कृतम शास्त्रम सांख्यम, ऐसा बोला जाता है। इन 25 संख्याओं को अधिकृत करके जिस शास्त्र का व्याख्यान हुआ है उसको हम सांख्य शास्त्र कहते हैं। सांख्य शास्त्र में, जैसा अभी आपने समझा, कि संपूर्ण सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर के और मोक्ष प्राप्ति तक की पूरी कथा है। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में 6 दर्शन आस्तिक दर्शन के रूप में माने जाते हैं, जिसमें सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र,
वैशेषिक शास्त्र, न्याय शास्त्र, पूर्व मीमांसा शास्त्र और उत्तर मीमांसा शास्त्र, ये छह शास्त्र हैं। इनमें सांख्य शास्त्र सर्वोपरि है। अगर हम ये कहें कि ये सांख्य शास्त्र सभी शास्त्रों का उपजीव्य है तो अत्युक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसी सांख्य शास्त्र का अनुसरण करके अन्य शास्त्रों में विचार हुआ है। इसको आदि दर्शन भी कहते हैं। यद्यपि इन सभी दर्शनों के तत्व हमारे वेदों में और उसके साथ साथ पुराण साहित्य में और जो ऐतिहासिक ग्रंथ जिसको माना जाता है महाभारत में, अनेक स्थलों में इसका विवेचन हुआ है। पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण में जहाँ का कपिलोपाख्यान है, वहाँ पर भगवान कपिल ने माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है। यद्यपि उसमें 26 तत्वों का कथन है, उसमें ईश्वर का भी विचार है। इसलिए दो प्रकार के सांख्य शास्त्र प्रचलित में है, एक ईश्वर के साथ जिसमें विवेचन है, एक ईश्वर के बिना विवेचन। सांख्य तत्व कौमुदी या सांख्य कारिका में ईश्वर का विवेचन नहीं है, क्योंकि इसमें ईश्वर उनकी विवेच्य का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि ये जगत के कल्याण और जीवों के कल्याणार्थ इस शास्त्र की प्रवृत्ति है, उससे ही उसका प्रयोजन है। वो सीधे कहते हैं कि संसार में जितने दुख हैं उन दुखों की निवृत्ति तत्व ज्ञान से होती है, और तत्व ज्ञान का तात्पर्य यही है कि पुरुष, जिसको हम जीव शब्द से भी कह सकते हैं, वह प्रकृति के बंधनों से अपने मुक्त होकर के अपने स्वरूप को समझे और अपने स्वरूप को समझ करके और वह इस संसार के आवागमन से मुक्त हो सके। इसलिए सांख्य शास्त्र का विशेष महत्व है, सबसे सरल भी है और उसके साथ साथ ये अत्यंत गूढ़ भी है, क्योंकि ये साधना का ही स्वरूप है। बिना साधना के वह पुरुष प्रकृति के स्वरूप से परिचित नहीं हो सकता है। पुरुष चेतन है, प्रकृति अचेतन है, किंतु पुरुष के संपर्क में आने से प्रकृति भी सचेतन हो जाती है और फिर इसके बाद वे सृष्टि की प्रक्रिया में संलग्न होती है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज तम ये तीन गुण प्रकृति के हैं जिनसे वो सृष्टि की प्रक्रिया में प्रवृत्त होती है। बिना रजोगुण की सृष्टि संभव नहीं है, इसलिए रजोगुण से युक्त होकर के ही प्रकृति सृष्टि की प्रक्रिया में प्रवृत्त होती है, और तमोगुण व्यक्ति को अज्ञान अंधकार में प्रवृत्त होता है करता है। इस कारण से व्यक्ति अनेक प्रकार के दुखों से युक्त होता है और दुखों के निवृत्ति के लिए अनेक प्रयास करता है। तो उन दुखों की जो निवृत्ति है वो कैसे हो, और वह जो पुरुष है तत्व ज्ञान को जान करके प्रकृति से अपने को पृथक करके अपने स्वरूप की प्राप्ति कैसे करे, इसी का सर्वाधिक विवेचन इस शास्त्र में हुआ है। इस शास्त्र के जैसे बताया गया, प्रथम प्रवक्ता महर्षि कपिल हैं, जिनको कपिल भी कहते हैं, ऋषि भी कहते हैं, मुनि भी कहते हैं। ऋषि इसलिए ये कहा जाता है कि वो भी मंत्र दृष्टा माने जाते हैं, और मुनि हैं कि जो कि सभी वेद शास्त्र इत्यादि के तत्वों के ज्ञान करने वाले हैं। ऋषयः मंत्र दृष्टा रहा, ऋषि उनको कहते हैं जो मंत्र को साक्षात करने वाले होते हैं अपने तपश्चर्या और तपोबल से। मुनिये हैं जो अंतारह वेद शास्त्र तत्वावगंतारह इति मुनिया, जो वेद शास्त्र के तत्वों को जानते हैं उनको मुनि कहते हैं। और आचार्य जो वाचस्पति मिश्र हैं उनको उन्होंने महामुनि कहा है, कपिलाय महामुनये।
उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश अपने प्रिय शिष्य आसुरी को दिया। आसुरी को भी मुनि शब्द की संज्ञा है और आसुर ने उसका उपदेश अपने प्रिय शिष्य पंचशिख को दिया। पंचशिख जो है वो उनके प्रिय शिष्यों में हैं और आदि विद्वान जो है लिखा है पंचशिख ने अपने आचार्य की आदि विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठाय कारुण्यात भगवान परमर्षि आसुरे जिज्ञासमानाय तंत्रम प्रोवाचि। तो आचार्य पंचशिख कहते हैं कि आदि विद्वान भगवान कपिल है, निर्माण चित्तम अधिष्ठाय, निर्माण चित्त को अधिष्ठान करके और कारुण्यात, कारुण्य का तात्पर्य होता है कि अत्यंत दयावान हो करके, और उन्होंने इस शास्त्र को जो है आसुरये जिज्ञासमानाय तंत्र प्रोवाच, जो आचार्य आसुरी हैं और अत्यंत जिज्ञासु, उनको उन्होंने इस शास्त्र तंत्र नाम शास्त्र प्रोवाच, और आचार्य आसुरी ने पंचशिख को उसका उपदेश दिया। महाभारत में भी पंचशिख का उल्लेख प्राप्त होता है, आसुरेह प्रथमं शिष्यं यमाहुश्चिरजीविनं पंचस्रोतस निष्णातः पंचरात्रविशारदः पंचज्ञः पंचकृत पंचगुणः पंचशिखः स्मृतः। पांच स्रोतों से जो ज्ञान के पांच स्रोत है उसमें निष्णात थे, पंचरात्र जो आगम है उसके वो प्रमुख जानकार माने जाते हैं, और पांच विषयों के ज्ञाता होने के कारण, पांच गुणों से युक्त होने के कारण उनको पंचशिख कहा गया है। ऐसा महाभारत के में 12वें पर्व में जो है इनका पंचशिख का उल्लेख प्राप्त होता है। तो उन पंचशिख को भगवान कपिल मुनि के शिष्य आचार्य आसुरी ने इस का उपदेश किया, और पंचशिख ने ईश्वर कृष्ण को इसका उपदेश दिया। तो ये इनकी शिष्य परंपरा है। इसके बाद अनेक आचार्य हुए हैं जिन्होंने इस ग्रंथ में अर्थात सांख्यकारिका ग्रंथ में जो ईश्वर कृष्ण के द्वारा विरचित है, अनेकों ने इसमें टीकाएं की हैं जो अत्यंत वैदिश्यपूर्ण हैं, और आज भी यह शास्त्र उतना ही प्रासंगिक है जितना पूर्व में इसकी मान्यता थी, इसका जो है इसका वैशिष्ट्य था, आज भी उतना ही वैशिष्ट्य है। इसलिए दर्शन शास्त्र में प्रवेश करने के लिए, दर्शन के तत्व को जानने के लिए इस सांख्यकारिका नामक ग्रंथ जो प्रधान ग्रंथ है सांख्य शास्त्र का, उसके उसका व्याख्यान उसका ज्ञान करना सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज हम लोग भौतिक जीवन में पड़े हुए हैं, हमारी प्रवृत्ति पूर्ण रूप से वह लौकिक है, लौकिक कार्यों में ही हमारा संबंध होता है, जो पारलौकिक ज्ञान के विषय में हमारी जल्दी प्रवृत्ति ही नहीं होती है, क्योंकि हम अपने ही कार्य से या तो संतुष्ट रहते हैं या उसमें इतने हम प्रवृत्त हैं कि हमको अन्य चिंतन का अवकाश ही हमारे पास नहीं है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के दुख की निवृत्ति संभव नहीं है, उस दुख की निवृत्ति के लिए ही इस सांख्य शास्त्र का प्रवचन भगवान कपिल ने संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए किया है। और हम लोग भी आज से इस शास्त्र की प्रवृत्ति में, इस शास्त्र का ज्ञान करने के लिए अपने को हम लोग लगा रहे हैं कि हम इस शास्त्र का ज्ञान करें, और इसी के माध्यम से आप सब जितने भी विज्ञजन हैं, जिज्ञासुजन हैं, इस शास्त्र के प्रेमी जन हैं, इसका लाभ उठावें,
सबको इसका ज्ञान हो, सभी इसका ज्ञान करके अपने जीवन को तत्व ज्ञान के माध्यम से उसको सर्वोन्नत बना करके मोक्ष को प्राप्त करें, यही शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। बहुत ही सरल शब्दों में गुरु जी ने इस सांख्य दर्शन की उपादेयता बताई, तो लौकिक और परलौकिक में व्यवहारिक रूप से किस तरीके से हम लोग जीवन व्यतीत कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, इसका आगे गुरु जी उपदेश करेंगे और ये व्याख्यान प्रतिदिन चलेगा। आप लोग कृपया जुड़ करके और ज्ञान का लाभ लें। ईश्वर आप सभी की सहायता करें। आपका दिन शुभ हो।